हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमार यूट्यूब पर। एंड फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दूध से बनने वाली डेजर्ट रेसिपी, जिसे आप कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं, खासकर इसे सर्दियों में आप बना सकते हैं। तो ये है दूध से बनने वाला ब्राउन डेजर्ट रेसिपी, यानी कलाकंद की तरीके से है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ 1 किलो दूध। इधर मैंने 1 किलो दूध लिया, इसे मैंने छान लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। तो इधर गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई, गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे ये दूध। दूध को हमें चलाते रहना है। अभी हमने गैस का फ्लेम हाई करके रखा हुआ है क्योंकि अभी दूध ज़्यादा उबला नहीं है। अभी इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये दूध है ना, जो कढ़ाई में चिपके नहीं। अभी देखिए दूध के अंदर उबाल आ गया है। तो अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, साथ में ही जो कढ़ाई के चारों तरफ ये देख सकते हैं मलाई लग गई, इसे भी हम छुटाते रहेंगे। तो देखिए कढ़ाई में से दूध आधा हो गया है। तब इसके अंदर ऐड किया हमने 1 टीस्पून ये दही ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छे दाने आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा अपना ये रबड़ी वाला दूध बन के तैयार होगा, यानी कि कलाकंदी रबड़ी दूध बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कलाकंद की तरीके से लगता है, रबड़ी की तरीके से लगता है। तो इधर मैं इसके अंदर ऐड करने के लिए ले रही हूँ, मैंने 80 ग्राम शुगर लिया है और मैंने ये बादाम की कतरन ली है। इधर मैं ले रही हूँ चिरौंजी 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इधर मैंने पिस्ता लिया है और मैंने केसर ली है। तो इसे मैंने 2 टीस्पून दूध के अंदर ऐड करके रख दिया सोख होने के लिए। तो इधर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट अपने अनुसार ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उतना आप रख सकते हैं। तो इधर गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए इधर दूध था जो काफ़ी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ये चीनी। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। फ्रेंड्स, चीनी को ऐड करने के बाद दूध था ना थोड़ा पतला हो जाएगा और कुछ समय बाद देखिएगा ये इस तरीके से कैरमलाइज हो जाएगी चीनी। इसका कलर देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल ही ब्राउन कलर हो गया है और देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से दाने आ गए हैं। तो ये देखिए हमारा इधर ये रबड़ी बनके तैयार है, कलाकंदी रबड़ी। तो अब गैस के फ्लेम को कर देंगे हम बंद। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने केसर ना वाला दूध था उसे ऐड कर देंगे। अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह आप 2 पिंच येल्लो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कलाकंदी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर ऐड कर दिया हमने ये पिसी हुई अपना इलायची पाउडर। अगर आप इलायची पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तब इधर हम इसे सर्व कर लेते हैं। पहले इधर हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं सर्विंग, फिर उसके ऊपर से हम रबड़ी को ऐड कर लेंगे और फिर से हमने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए। तो ये देखिए हमारा कलाकंदी डिजर्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे खासकर आप सर्दियों के मौसम में या फिर त्यौहार पे किसी भी वक्त आप इसे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाने में बिल्कुल ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।